हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइंस का सेकंड पार्ट लाया हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी सिलेबस है उसमें एक लाइंस भी दिया गया है चैप्टर, तो उसका मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया है। आज मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पार्ट टू, जो कि लाइंस का क्वेश्चन है। इस पे मैं जितना भी क्वेश्चंस कराऊंगा लाइंस पे, सारा क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अगर आप कोई भी चैप्टर का वीडियो चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस चैप्टर का नंबर है 7361057569। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, 7361057699। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं या कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, उसका लिंक आपको शेयर। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं लाइंस। लाइंस के पहले भाग में हम सब ने पढ़ा था कि रेखा जो है, लाइंस कितने प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये सब हम सब ने पढ़ा था, ठीक है। आज मैं इसका दूसरा पार्ट लाया हूँ। चलिए इसमें पढ़ते हैं। फर्स्ट, वस्तु रेखा। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में मैं लिखूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी देख सकते हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी देख सकते हैं। तो वस्तु रेखा, जिसको ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं, और ये जो वीडियो है आप सब शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। उससे क्या होगा, जितना मेरा ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सबके पास पहुँच सके, ठीक है। तो वस्तु रेखा, ऑब्जेक्ट लाइन क्या होता है, देखिए इसको जो है ए प्रकार की रेखा भी बोली जाती है, ठीक है। ए प्रकार की रेखा भी बोली जाती है, तो याद रखिएगा। एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि ए प्रकार की रेखा किसको बोली जाती है, तो वहाँ अगर वस्तु रेखा ऑप्शन होगा तो उसमें आप टिक कीजिएगा, ठीक है। अब ये वस्तु रेखा क्या होती है, देखिए कोई भी अगर ड्राइंग बनाया जाता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को दिखाया जाता है, तो जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। तो ये जो रेखा, ये जो मैंने बनाया, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। जैसे मैंने एक सर्किल बनाया, ये सर्किल का ये वाला, ये बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। जैसे देखिए मैं एक बना रहा हूँ ईट, ब्रिक्स बना रहा हूँ, ठीक है। ये जितना भी रेखा अभी आपको दिख रहा है, ये सारा क्या है, वस्तु रेखा है, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरह आपको बना के दे दिया जाएगा, पूछेगा इसमें वस्तु रेखा कौन है, तो आप बता सकते हैं, ये इजी है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है आपको, वस्तु रेखा, ऑब्जेक्ट लाइन, ए प्रकार की रेखा, इसको ए प्रकार की रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या याद रखना है, देखिए मैं स्टार करके लिख देता हूँ, इसे आउट लाइन, ठीक है, आउट लाइन भी बोलते हैं, आउट लाइन भी बोलते हैं। जो भी मैं लिखा रहा हूँ सबको नोट कीजिए, सारा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको इसी में देखने को मिलेगा, आउट लाइन बोलते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। और चलिए, और ये एक याद रखिए कि ये रेखा प्रायः मोटी ही होती है। जैसे देखिए ये मोटी रेखा होती है, मतलब ये छोटा एकदम पतला लाइन से इस तरह नहीं बनाया जाएगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट लाइन जब भी बनाया जाता है वो मोटी रेखा होती है एकदम, जो दिखे, ठीक है। वस्तु रेखा आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सारा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो सबके पास पहुँचा दीजिए जिसको ये सबको ज़रूरत है। इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत सारा चैप्टर जो है सब स्टूडेंट को लगता है हार्ड है, ठीक है, तो ये हार्ड चैप्टर नहीं है, बस आप पढ़ लीजिए, बहुत ही इजी है। आप सब पढ़े नहीं हैं इसलिए आपको लग रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए दूसरा पढ़ते हैं, वीमा रेखा। वीमा रेखा, इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, ठीक है। ये क्या होता है, तो देखिए जैसे वो ए प्रकार की रेखा थी, इसको क्या बोला जाता है, बी टू प्रकार की रेखा। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि बी टू प्रकार की रेखा किसे बोली जाती है, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑब्जेक्ट लाइन, फिर वीमा रेखा, तो आपको यही वीमा रेखा में टिक करना है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है,
इस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु की माप दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी मैंने वस्तु बनाया, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, उसको माप दिखाने के लिए इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जैसे ये कोई रिक्टेंगल है, ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए ये मान लेते हैं ये कितना लेंथ है। तो क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे 60 मीटर मान लेते हैं। तो ये हुआ विमा रेखा, ठीक है। जैसे और देख लीजिए, जैसे ये है, ये इस टाइप से यहाँ से लिए, ठीक है, यहाँ तक गए और फिर इसमें क्या लिख दिए, जितना भी लेंथ है 30 मीटर यहाँ पे, ठीक है। जैसे और भी कोई ले लीजिए, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा है। अब इसको हमको दिखाना है विमा रेखा के थ्रू, तो हम किस तरह दिखाएंगे, ये इस टाइप से यहाँ लिख देंगे। देखिए विमा रेखा में जो ये है 60, मतलब इसका लेंथ जो लिखा जाता है, या तो बीच में लिखा जाएगा या ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है, या यहाँ पे लिखेंगे या इसको मिला दीजिए पूरा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 60, ठीक है। अच्छा, और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये मैंने बता दिया कि इसको या तो बीच में लिखेंगे या ऊपर लिखेंगे 60। अगर आपको एग्जाम में बना दिया जाएगा और फिगर दे दिया जाएगा, ठीक है, इस टाइप का फिगर दे दिया जाएगा, कोई फिगर दे दिया जाएगा इस टाइप से, और यहाँ पे दे दिया जाएगा 50, ठीक है, इस तरह, तो ये गलत है। क्यों, बीच में होना चाहिए। देखिए ये भी बीच में नहीं है, ये इसको यहाँ बीच में होना चाहिए, ये बीच में या ऊपर ये होना चाहिए। अगर इस टाइप में हो, इसको हटा दें और यहाँ लिखाओ, तो ये भी गलत है। इस तरह से विमा रेखा नहीं दर्शाए जाते, जब भी ये होगा कब हो, कहाँ होगा, ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देख लीजिए, मैंने बताया ये माप दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए उसको दिखाया जाता है कि ये कितना इसका लेंथ है, ये दिखाया जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद रखिए कि ये जो रेखा है, ये वस्तु रेखा है, मैंने बताया अभी शुरू में, इससे 5 मिलीमीटर से, एमएम से 8 एमएम दूर होता है। मतलब इसके बीच यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कितना होना चाहिए, 5 एमएम से 8 एमएम, तो ये भी याद रखिए, ठीक है, इसका बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। ये नहीं कि ये यहाँ पे हम सटा के इस तरह लिख दिए, ये नहीं, इस तरह लिख दिए और यहाँ लिख दिए 15, तो ये नहीं होगा। एकदम इसमें डिस्टेंस भी होना चाहिए, कितना, तो ये देखिए जितना भी मैं ये लिखाऊंगा एमएम में, उसको तो आप याद ही रखिएगा इम्पोर्टेंट करके, ठीक है, 5 एमएम से 8 एमएम के बीच इसमें डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये आप समझ गए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ उसको याद आप रखते जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनेगा इसी सबसे बनेगा। पूछ लिया जाएगा कि विमा रेखा कितनी दूरी पर होती है ऑब्जेक्ट लाइन, मतलब कि वस्तु रेखा से, तो आपको वहाँ ऑप्शन मिलेगा 5, ठीक है, 10, 12, 15, तो आपको वहाँ लगाना है 5, क्योंकि 5 से 8 एमएम के बीच होता है, ठीक है। कुछ भी दे दिया जाएगा, 6 भी दिया जाएगा तो 6 लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, विस्तार रेखा। विस्तार रेखा इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, ये बहुत ही इजी है, ठीक है, बस समझने की देरी है। अगर आप समझ गए तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। अच्छा देखिए, इसको जैसे सबको बोल रहे थे, इसको भी बोलते हैं B3 प्रकार की रेखा, ये B3 प्रकार की रेखा है, तो ये भी आप याद रखिए, B3 प्रकार की रेखा कौन है, तो ऑप्शन जो भी मिलेगा उसमें विस्तार रेखा आप मार्क कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इन रेखाओं का प्रयोग विमाओं को प्रदर्शन करने हेतु किया जाता है। जैसे देखिए ये कौन सा रेखा है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए ये कोई मैंने ऑब्जेक्ट लाइन खींचा, ठीक है, अच्छा, और ये यहाँ से दूर क्या खींचेंगे, डायमेंशन लाइन मैंने बताया, ये डायमेंशन लाइन मैंने खींच दिया, और डायमेंशन कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं 5, ठीक है। अच्छा, आप विस्तार रेखा कैसे बनेंगे, तो यहाँ देखिए ये इस तरह से विस्तार रेखा बनेंगे, ये इस तरह से, मतलब ये जो मैंने बनाया ये, इसी को बोलते हैं विस्तार रेखा, मतलब एक्सटेंशन लाइन, ये जो मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, और देख लीजिए, जैसे यहाँ भी
यहाँ मैं बना रहा हूँ डायमेंशन लाइन पहले, ठीक है, ये मैंने डायमेंशन लाइन बनाया, अब मैंने लिख दिया 6 इसका डायमेंशन है। तो ये यहाँ पे जो मैं खींच रहा हूँ ये होता है विस्तार रेखा, ठीक है। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण है ये समझिए, इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि विस्तार रेखा ये इसका प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है ये रेखा इस रेखा को ना काटे, मतलब ये लाइन इसके पार ना हो, मतलब ये जैसे मैं यहाँ खींच रहा हूँ देखिए, जैसे ये यहाँ तक है, ये इस टाइप में ना हो, ठीक है, एकदम टच में हो सकता है लेकिन काटे नहीं, एकदम यहाँ पे टच में होगा, ठीक है, ये भी टच में, इसको काट नहीं सकता, ये जो विस्तार रेखा है डायमेंशन लाइन को काट नहीं सकता है। तो एक पॉइंट ये नोट कीजिए। दूसरा आपको क्या नोट करना है कि जो ये विस्तार रेखा है ये वस्तु रेखा से 2 मिलीमीटर, कितना, 2 मिलीमीटर दूरी पर होना चाहिए, रिक्त स्थान छोड़कर इसको बनाना चाहिए। जैसे देखिए मैं जो ये खींच रहा था विस्तार रेखा, तो यहाँ पे मैंने एक डिस्टेंस छोड़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ भी एक डिस्टेंस मैंने छोड़ा हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितना छोड़ा जाता है ये देखिए, ये होता है 2 मिलीमीटर। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी बन जाएगा कि विस्तार रेखा वस्तु रेखा से कितना मिलीमीटर, कितना एमएम डिस्टेंस छोड़कर बनाया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, 2 मिलीमीटर, ठीक है, 2 mm। तो ये देखिए ये 2 mm यहाँ भी मैंने छोड़ा, यहाँ भी छोड़ा है, इस टाइप से नहीं कि इसको हम यहाँ मिला दिए, ये नहीं, ये तब गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 mm छोड़ा जाता है, मतलब यहाँ पे इसको हम मिटा देंगे, यहाँ पे यहाँ तक ये 2 mm छूटा हुआ है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये जो मैंने लिखा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। साथ में क्या याद रखना है कि यह थिक कंटिन्यूस लाइन है, मतलब कि ये थिक कंटिन्यूस लाइन है, ठीक है, मतलब कंटिन्यूस है, ये नहीं कि बीच में इस टाइप के दिया हुआ है, एकदम मिला हुआ है, कंटिन्यूस है। और क्या याद रखना है कि इसकी जो मोटाई है, मोटाई ये जो मैंने बनाया इसकी मोटाई जो है वो कितनी होती है ये पूछ दिया जाएगा। ये जो विस्तार रेखा है इसका मोटाई जो है ये होता है 0.20 mm से 0.30 mm, इतना होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसकी मोटाई जो है विस्तार रेखा की इतनी होती है, कितना, 0.20 mm से 0.30 mm, और विस्तार रेखा जो है वस्तु रेखा से कितना छोड़कर बनाया जाता है, तो 2 mm, ठीक है, यहाँ भी 2 mm छोड़ा है, यहाँ भी 2 mm, यहाँ भी 2 mm, यहाँ भी 2 mm छोड़ के हम बनाए हैं, तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, सारा आप लिखते जाइए, ठीक है, एक नोट्स बना लीजिए, उससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम में आप देख सकते हैं, ऐसे अगर आप देखिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। यह वीडियो आप डाउनलोड कर लीजिए, इससे अच्छा होगा, यह वीडियो 2-3 बार देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, कुछ भी हो सकता है लेकिन आपको याद रखना है। देखिए एक होता है लीडर लाइन, लीडर रेखा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लीडर लाइन, ये क्या होता है, तो देखिए पहले तो ये B4 प्रकार की रेखा होती है, ठीक है, जैसे मैं शुरू से चलता आ रहा हूँ, पूछ देगा कि B4 प्रकार की रेखा कौन सी होती है, तो लीडर रेखा हम लिखेंगे। अच्छा, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो देखिए जैसे, देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे ये मैंने बनाया, ठीक है, और मान लेते हैं इसके अंदर कोई सर्किल है, कोई वृत्त है, और इस वृत्त का हमको क्या दिखाना है, व्यास दिखाना है, व्यास, ठीक है, तो हम कैसे दिखाएंगे इस वृत्त का व्यास, हमको दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, तो हम इस तरह से हम नहीं दिखा सकते कि इसका इतना व्यास है, यहाँ पे लिख दें इस तरह से नहीं, तो इसको दिखाने के लिए जो है यही लीडर रेखा का प्रयोग किया जाता है, किस तरह से, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे कि हम इस तरह लेंगे और इस तरह ले लेंगे, जितना भी इसका व्यास का लेंथ है, मान लेते हैं 2 mm है, तो 2 mm लिख देंगे, तो ये जो रेखा बना, ठीक है, ये रेखा को हम क्या बोलते हैं, लीडर रेखा, मतलब कि लीडर लाइन बोलते हैं, कौन वाला, ये वाला, लेकिन अंदर से निकला और इस टाइप से मुड़ के इधर आ गया 2 mm, तो इसको बोलते हैं
ये हाँ लीडर रेखा, ठीक है। तो एक चीज क्या याद रखिए, इसका हमेशा यूज कहाँ किया जाता है, व्यास या त्रिज्या दिखाने के लिए, व्यास या त्रिज्या दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऐसे दिया है तो इसका मतलब समझ चाहिए, यह व्यास दिया है या त्रिज्या दिया है, ठीक है। और अगर व्यास दिखाया जाएगा तो उसके बगल में ये लगा रहेगा, ये साइन फाई का साइन, तो याद रखिएगा। अगर ये दिखाया गया तो फाई का साइन, अब 2 मिलीमीटर दिया है, ठीक है, तो इसका त्रिज्या तो हम निकाल सकते हैं, मतलब ये क्या है, व्यास है तो 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1 मिलीमीटर क्या होगा, 1 mm, इसका क्या होगा, त्रिज्या होगा, ये तो ईजी है, ठीक है। तो बस याद रखिएगा ये कि लीडर रेखा कौन सी, B4 प्रकार की रेखा है, और ये इस टाइप से दिखाया जाता है। ऑप्शन ये दे दिया जाएगा फिगर, और बोलेगा ये कौन सी रेखा है, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेक्शन रेखा, सेक्शन रेखा मैं यहां लिख देता हूं, सेक्शन रेखा, सेक्शन लाइन, ठीक है, इसको सेक्शन लाइन बोलते हैं। तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, क्योंकि दोनों इंग्लिश में भी मैं लिख रहा हूँ और हिंदी में भी, और समझा तो हिंदी में ही रहा हूँ, ठीक है, ताकि सबको समझ में आए। अच्छा, सेक्शन लाइन, सेक्शन लाइन को जो है B5 प्रकार की रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि B5 प्रकार की रेखा किसको बोलते हैं, तो सेक्शन लाइन को हम बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो इसका यूज कहाँ होता है, कोई भी मशीन का भाग अगर कटा हुआ है तो उसको प्रदर्शन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, जैसे मान लेते हैं ये कोई मशीन है, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ से ये कटा हुआ है, मतलब ये भाग नहीं है, ठीक है, और ये यहाँ पे, तो हम इसको कैसे प्रदर्शन करेंगे, बस यहाँ पे क्या करेंगे, ये इस तरह से हम खींच देंगे, तो इससे पता चलेगा कि ये जो पार्ट था इसका इतना वो क्या है, कटा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या देना है, देखिए ये देखिए, ये है वस्तु रेखा, जैसे वस्तु रेखा के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, ये है, ये जो मैं खींच रहा हूँ ये क्या है, यही है सेक्शन लाइन, मतलब वस्तु रेखा में मैंने ऐसे खींच दिया, मतलब ये पार्ट वस्तु रेखा का क्या है, कटा हुआ है। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए नोट कीजिए, ये जो है वस्तु रेखा के साथ, ये वस्तु रेखा और ये सेक्शन लाइन वस्तु रेखा के साथ कितना बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और इसमें जो सेक्शन लाइंस है ये एक दूसरे से क्या होता है, समानांतर होता है, पैरेलल होता है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, मतलब सब एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल होता है, पहला लिखिए, 45 डिग्री का एंगल बनाता है किसके साथ, वस्तु रेखा के साथ, सेक्शन लाइन। दूसरा क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, पैरेलल होता है, मतलब क्या होता है, समानांतर होता है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है आपको कि ये जो रेखा है, ये रेखा इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिएगा इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दो पैरेलल सेक्शन लाइन के बीच, वो होगा 2 mm या 3 mm, ठीक है, 2 mm या 3 mm, दो हो सकता है या 3 हो सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा क्या याद रखना है कि इसका जो मोटाई है, ठीक है, ये एक सेक्शन लाइन खींचा, इसका मोटाई कितना होना चाहिए, ये सब जितना भी मैं लिखा रहा हूँ सारा यही क्वेश्चन सब तो बनेगा एग्जाम में, मोटाई, मोटाई कितना होना चाहिए, मोटाई होना चाहिए 0.7 mm या इससे अधिक, या इससे अधिक, ठीक है, 0.7 mm से अधिक, यही दो, 0.7 या इससे अधिक होना चाहिए। तो ये याद कर लीजिए। एक और याद क्या रखिए कि इसको जो है हैचिंग लाइन भी बोलते हैं, अगर पूछ दिया जाएगा हैचिंग लाइन किसको बोलते हैं, देखिए मैं पहले लिख देता हूँ, हैचिंग हैचिंग लाइन, ठीक है, रेखा लिख देता हूँ,
हैचिंग रेखा, इंग्लिश में भी मैं लिख दूं, अच्छा लीजिए हैचिंग लाइन, मतलब सेक्शन रेखा को जो है हैचिंग लाइन भी बोलते हैं, ठीक है हैचिंग लाइन। अगर पूछ दिया जाएगा कि एग्जाम में हैचिंग लाइन किसको बोलते हैं, ऑप्शन रहेगा विस्तार रेखा, लीडर रेखा, सेक्शन रेखा, ऑब्जेक्ट रेखा, तो हम किस में मार्क करेंगे, सेक्शन रेखा में। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखाया, ये सब सारा आप नोट कर लीजिए और सारा को क्या कीजिए याद रखिए। और इसको किस तरह दिखाया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है, और वस्तु रेखा के साथ कितना एंगल का बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है और एक दूसरे से समानांतर होता है। तो ये मैंने दिखाया, ठीक है चलिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे लघु खंड रेखा जिसको शॉर्ट ब्रेक लाइन भी बोलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो समझ में आ रहा है ना आप सबको, समझ में आ रहा है तो आप सब कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि मैं दूसरा वीडियो नेक्स्ट जल्द ही अपलोड करूँगा, इससे होगा कि हाँ स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं लघु खंड रेखा जिसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है। तो इसको जो है इसको बोलते हैं सी प्रकार की रेखा, मैं लिख देता हूँ सी प्रकार की रेखा बोलते हैं। तो ये सब तो इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा कि सी प्रकार की रेखा किसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसका यूज कहाँ होता है, ये रेखा किसी कटे हुए भाग को दिखाता है, कोई भी छोटा मशीन है उसका कटा हुआ कोई पुर्जा है कोई भाग है तो उसको दिखाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मान लेते हैं कोई मशीन है, ये इतना सा, ये यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं मशीन है, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं यहाँ से ये कट गया, इतना भाग कटा हुआ है, तो इसको दिखाने के लिए मैं ये इस रेखा का यूज करूँगा, ये जो मैंने दिया ये होता है, तो याद रखिए ये इस टाइप का होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन, छोटे भाग को, इतना छोटा था छोटे भाग को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए इस रेखा की मोटाई जो है, इसकी मोटाई, ये मोटाई कितना होता है, ये होता है 0.4 mm से 0.5 mm, इसको याद रखिएगा। अच्छा इसको जो है फ्री हैंड से क्या खींचा जाता है, फ्री हैंड से खींचा जाता है, और ये क्या है, वक्र रेखा है, आपको दिख रहा है वक्र है, मैंने बताया था शुरू में जब मैं पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था वक्र रेखा क्या होती है, कर्व लाइन क्या होता है, वो इस टाइप से खींचा जाता है, यह इस टाइप से, मतलब कोई एक उसका फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, और उसमें एक एंगल भी नहीं बनता, ये भी मैंने बताया था। तो ये क्या है, वक्र रेखा है, वक्र रेखा, ठीक है। और क्या होता है, मुक्त हस्त से खींचा जाता है, मुक्त हाथ से खींचा जाता है, मतलब इसी तरह, मतलब इसके लिए हमको स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस टाइप से हम खींच दें इसको, डायरेक्ट क्या होगा, इस टाइप से हम खींच देंगे, ये दिखाने के लिए हम इस तरह खींच देंगे, मतलब इससे क्या पता चलेगा कि ये मशीन या कोई भी मशीन दिया रहेगा उसका भाग क्या है वहाँ पे टूटा हुआ है, तो ये याद रखिएगा। तो हम लिख देते हैं मुक्त हस्त रेखा से खींचा जाता है, मतलब कि फ्री हैंड से, ठीक है। और एक पॉइंट क्या याद रखना है कि ये जो है छोटे भाग को दिखाने के लिए किया जाता है, तो ये तो आप मैंने बता दिया था, ठीक है। चलिए अब इसी में एक क्या होता है, मैं इसको रहने देता हूँ क्योंकि इसी से एक रिलेटेड टाइप का है। देखिए दूसरा होता है लंबी खंड रेखा, ये तो लघु खंड रेखा, ये है लंबी खंड रेखा जिसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है। वीडियो क्वालिटी तो ठीक है ना, ठीक। देखिए यहाँ इसको जो है डी प्रकार की रेखा बोलते हैं, डी प्रकार की, याद रखिएगा डी प्रकार की रेखा। पूछ दिया जाएगा डी प्रकार की रेखा किसको बोलते हैं, तो लंबी खंड रेखा को बोलते हैं। देखिए और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना, पहले आपको दिखा देते हैं कि ये किस टाइप का बना होता है। जैसे देखिए कोई भी बड़ी मशीन होगा, कोई भी बड़ी मशीन का कोई पुर्जा होगा, जैसे मान लेते ये बड़ी है, ठीक है,
तो इसको दिखाने के लिए मान लेते हैं यहाँ से ये कटा हुआ, इसको भी कटा हुआ भाग ही दिखाते हैं, लेकिन ये क्या फर्क है कि छोट ये बड़ा भाग दिखाया जाता है और उससे क्या था छोटा भाग दिखाया जाता है। तो इसको कैसे दिखाएंगे ये देखिए, ये इस टाइप से दिखाया जाता है जिग जैग टाइप का, ठीक है, मतलब कि ये यहाँ आया फिर ये इससे बन गया, ये दिखाया जाता है जिग जैग टाइप का रहता है रेखा, इसलिए इसे क्या बोला जाता है जिग जैग रेखा भी बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जिग जैग रेखा किसे बोला जाता है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है, मतलब कि लंबी खंड रेखा। और एक बात क्या याद रखिए कि इसको जो है रूल्ड रेखा भी बोला जाता है, रूल्ड रेखा यहीं से पूछ दिया जाएगा घुमा फिरा के कि रूल्ड रेखा किसको बोला जाता है, ठीक है, तो लंबी खंड रेखा को बोला जाता है रूल्ड लाइन, ठीक है। अच्छा इसमें और आपको क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, देखिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, जिगजैग रेखा बोला जाता है या रूल्ड रेखा रूल्ड लाइन बोला जाता है दोनों में, और डी प्रकार की रेखा है, और साइन याद रखिएगा इस टाइप से होता है ये इस टाइप से, ठीक है, मतलब कोई मशीन का भाग टूटा हुआ, ये ऐसे गए फिर जिगजैग बना फिर ऐसे गए जिगजैग बना, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक और लास्ट पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। चलिए और 3 मिनट का एक और वीडियो बना देते हैं हम, देख लीजिए इसी में ऐड कर देता हूँ एक और पार्ट जो कि है, एक और देख लीजिए, ये होता है अदृश्य, अदृश्य, अदृश्य रेखा, यानी कि क्या बोलते हैं इसको हिडन लाइन बोलते हैं, हिडन लाइन, ये जो है याद रखिएगा ई तथा एफ प्रकार की रेखा है, जैसे मैं शुरू से आ रहा हूँ तो इसमें भी ये दोनों प्रकार की ई तथा एफ प्रकार की रेखा है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ई तथा एफ प्रकार की रेखा कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए अदृश्य रेखा। अच्छा इसका यूज कहाँ होता है, तो ये देखिए नाम से ही स्पष्ट है अदृश्य रेखा, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो भाग दिखाई ना दे, जो भाग दिखाई ना दे तो उसको दिखाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए ये डेस्टर है, इसका पीछे वाला भाग आपको नहीं दिखता होगा, पीछे वाला भाग नहीं दिखता होगा, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, तो इसी लाइन से हम दिखाते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ देखिए ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है क्यूबॉइड है, कोई भी ईट है मान लेते हैं, ठीक है, इसका पीछे का भाग तो नहीं दिखता है इस तरह से, तो उसको दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं इस टाइप से, ये डैश 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 देते हैं, ठीक है, और इसको इस टाइप से हम दिखा देते हैं, इससे क्या पता चलता है कि पीछे का भाग ये है, ठीक है। तो ये जो रेखा बना, ये मैंने जो बनाया इसी को बोलते हैं अदृश्य रेखा, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पे वस्तु का कोई पार्ट ना दिखे उसके लिए किया जाता है, कोई वस्तु का लाइन ना दिखे उसके लिए किया जाता है, ठीक है, ये और क्या होता है छिपा हुआ होता है, ठीक है, मतलब इससे दिखा दे, मतलब ये पीछे वाला भाग नहीं दिख रहा है वो छिपा हुआ है। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसे डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है, देखिए मैंने डॉटेड लाइन बनाया था इस टाइप से, डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है, लिख लीजिए डॉटेड, डॉटेड लाइन से क्या होता है दर्शाया जाता है, ठीक है। अच्छा ये जो है इसमें जो है ये याद रखिएगा कि 2 mm से 3 mm का डैश छोड़ा जाता है, मतलब ये जो डैश है मैं दे रहा हूँ ये मतलब बीच में कितना गैप मैंने छोड़ा है 2 से 3 mm, ये 2 से 3 mm का गैप छोड़ा हुआ है, तो ये जो लेंथ है बीच वाला ये 2 mm से 3 mm होता है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो
तो आज के लिए इतना ही, ये सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया हिडन रेखा से, तो इसमें आप याद रखिएगा। उसके बाद मैं एक और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें जो भी टॉपिक्स बचा हुआ है रेखा का, लाइंस का, उसको मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके तो ज़रूर बताइए, ठीक है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो कोई भी टॉपिक्स में, उसको आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं इस नंबर पे। वो टॉपिक का वीडियो बना दिया जाएगा, अगर वो वीडियो अवेलेबल होगा तो तुरंत आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो और क्या करना है आपको, वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी को हेल्प मिल सके, ठीक है। आपके थ्रू सभी को हेल्प मिल सके, आप शेयर कीजिएगा तो आपके थ्रू सभी को हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।